वाह जी वाह, पुराने घर दियां उही यादां 75 साल पहला भी। हाँ वेखो जी उही पुराना समा तो इत्थे साडे बजुर्ग रहिंदे रहे होंगे ना घरां दे विच। एक एक इट नूं उन्होंने की सोच के बनाया या जोड़िया होएगा, उन्होंने थोड़ा पता सी भी जी एक एक इट जोड़ रहे हैं तो वो एक एक इट देखण नूं तरस जाणगे उस टाइम। तो अज याद करते हैं बापू तेजा सिंह भुल्लर, पाल सिंह भुल्लर। मैं तो खुशकिस्मत कहूँगा भी दोनों सरकारों का धन्यवाद कि मैं अपने पिंड आ गया। थोड़े तो कई अजे तड़फ रहे हैं भी असी पिंड नहीं जा सके, कई बजुर्ग इस आस पूरे हो गए कि अपने पिंड की मिट्टी में छू नहीं सके दोबारा। जो मैं सरायचा का नाम सुनता ना बापू जी का, ये जो नूं कंडे खड़े हो जाते, जबकि असी इत्थे जम्मे नहीं, मेरे फादर भी नहीं जम्मे इत्थे, पर बापू जी नाल मेरा बहुत लगाव सी। उन्होंने इन्नियां क गल्लां इत्थों दियां सुनाउणियां, पर मैं उन्हां नाल एक प्रॉमिस सीगा, वो मैनूं कहंदे रहिंदे सी जदों भी किते मौका मिले अपने पिंड जरूर जाके आई, अपने पिंड जरूर जाके आई। तुसीं माशाअल्लाह सरायच दे लाड़े हो, सानूं इतनी खुशी हुई, यकीन मनो सानूं उन्नी ईद दी खुशी नहीं हुंदी जिन्नी तुहाडी आ। सौ 1947 तो बाद पहली बारी अपने पिंड अपने घर आने का जोड़ा एहसास है, वो इमोशनस मैं दस नहीं सकता। लो जी आज दे वीडियो विच सारियां नूं बहुत सारा सलाम ते प्यार भरी सत श्री अकाल जी। मैं भुपिंदर सिंह लवली ते अज साडे नाल बहुत सारे मेहमान आए ने। साडे नाल मौजूद ने हरिंदर भुल्लर जी जो किसी तारुफ दे मोहताज नहीं हन, ते नाल पूरी टीम जी पूरी तैयारी दे नाल निकल रही है। हरिंदर भुल्लर जी भी साडे नाल ने, एडी नट साहब ने, नासर ढिल्लों ने, और तुसीं जानदे ही हो जस नज़र पा जी और बुटर पा जी भी ने। तैयारियां हो चुकियां ने। इन्हां दे वड वडेरियां दा पिंड है जी, इन्हां दे वड वडेरियां दे पिंड जावांगे, उत्थे दर्शन करांगे, नाले कोशिश करांगे इन्हां दा घर लभण दी जी। ते लो जी अज दा सफ़र शुरू करदे आं, सो आओ चलिए सरैच पिंड लाहौर। वॉइस ओवर बड़ा एक मेरे को तो सारे शब्द बोले भी नहीं जा रहे होने इस तरह का एक इमोशनल मूवमेंट है। 1947 तो बाद पहली बारी अपने पिंड अपने घर आने का जोड़ा एहसास है वो इमोशनस मैं दस नहीं सकता। पुरखों का पिंड है, इस पिंड साढ़े पुरखे जम पल के जवान हुए उस पिंड वापस आए हैं। सो बहुत वधिया एक्सपीरियंस है। थैंक यू। अच्छा भुल्लर साहब, तुसी अपने हुण पिंड पहुँच गए हो जी। इस दो चार गल्लां ते दसो सानू कि अपना की तुहाडे है तुहाडे दादा जी दा पिंड सीगा? हाँ जी, हाँ जी, दादा जी सरदार तेजा सिंह भुल्लर उन्हां दा नाम सीगा। अच्छा, उन्हां दे गां जिहड़े फादर सीगे भगत सिंह, वो दो भरा सी भगत सिंह ते जगत सिंह। अच्छा, सो उन्हां दे वंशज आसी ते 47 चो इधर ही सी कि इधर 10 पढ़े हुए सी पाकिस्तान। अच्छा। 10 उर्दू दियाँ 10 पढ़े हुए थे। अंग्रेजी उन्होंने बहुत ज़्यादा आती सी अंग्रेजी। हाँ, तो उन्होंने को बह के संगत करते थे तो उन्होंने फिर सारिया गल्लां इहदे बारे दसिया। अच्छा, इत्थे ही बापू जी का विआह होया। वाह। हाँ जी, तो इस पिंड बारे बहुत सारिया गल्लां काना काछा बारे दसदे हुंदे सी। हाँ, काने का नाम बार बार लैंदे हुंदे सी। काने दा बड़ा मेन हुण स्टाफ भी है और बड़ा तगड़ा पिंड है, हम कस्बा कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, काने का बापू जी बड़ा जिक्र करते थे बुजुर्ग साडे। हाँ, काना काछा। हाँ जी, काना भुल्लर साहब, चूँकि तुम वड्डियां दी संगत च बैठे हो, तुम अपने दादे की संगत च बैठे हो, कितना के याद करते सी अपने पिंड नूं अपने घर? वो एक बंदा जिन्हों उहदे जड़ां तो ही तोड़ दिता होवे वो कितना मिस कर सकदा अपनियां जड़ां नूं। वो एक बारी आए भी सी जथे दे नाल आए सी, उदों मैनूं कहिंदे सी नाल चल, मेरे मैं बहुत छोटा सी, मेरे मदर ने इस करके नहीं जान दिता भी उदों रश बड़ा हुंदा जथे वीदी किते बांह बूह ना छुट जाए किते उधर ही ना रह जाए। सो शाम नूं अपने पिंड नूं ऑलवेज मिस करदे। गुरुद्वारा जी जो सब तो वड्डा इत्थे खूह हुंदी सी एक। अच्छा जी, खूह। हाँ जी, वड्डा खूह हुंदा सी ते हुण थोड़ा जिहा रह गया उहदा थोड़ा जिहा हिस्सा, ते बाकी आपां चैक कर लैंदे जी। ओके ओके ओके। मैं अपने वास्ते तुसीं जदों किते अपने उधरले पिंड जाओगे ना तुहाडे तो बोले ही नहीं जाना, मैं तो फिर थोड़ा बहुत बोली जाना। ओके, सारे पिंड वाले साडे जिहड़े सी ना वड्डे जी। हाँ जी, वो इत्थे आंदे आ। भुल्लर साहब, तुहाडा घर कित्थे करके दस्सिया सी उन्होंने? ये मैनूं वो कहंदे सी पिंडों चढ़दे पासे जिहड़ा तीजा घर कोई दस्सदे पिंडों चढ़दे। मैनूं वॉइस नोट भी मेरे कोल साम्भिया पिया, ओहदे च उन्होंने दस्सिया सी वी किहड़े पासे घर है। हाँ जी, वो तो हम जो उस टाइम का जो कोई बुजुर्ग इस टाइम हो। हाँ, बुजुर्ग दस सकते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि पिंड का बहुत कुछ चेंज हो गया ना, काफ़ी कुछ चेंज हो गया। वो जो पिंडों चढ़ते दसते पे जी, वो भी थोड़ा जि है नक्शा, वो भी असं विखा दें घर, वो पली साइड तो बन जाता है असं कहते पास। हाँ, वो कोई बुजुर्ग जो पिंड का ना वो दस सकता पुराना उस टाइम का। हमने पिंड के बिच घर जा रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, घर जा रहे हैं। अच्छा, तुहाडे दादा जी ने कभी दस्या कि 47 वाला माहौल किस तरह का सीगा? तो सर हुण तां चलो आपां फिल्मां च भी काफ़ी कुछ देख लिया। हाँ, बट उस टाइम दे जदों भी उस टाइम नूं याद करदे सीगे हमेशा ऑलवेज अपने उत्थे इन्ने मरब्बे सी, अपना उत्थे कोठी इस तरह की अपनी हवेली सी। सानूं कदे कदे लगन लग जांदा भी झूठ मारदे होणगे, क्योंकि जदों जो इत्थे सी साडे कोल ओहदे बहुत घट एक पार्ट उत्थे अलॉट होया। उधर सानूं 40 किले उधर अलॉट होए, इधर पता नहीं हुण किन्नी सी की सी, वो दसदे सी। पर याद जो करना कहना ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਜਾੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਲਵੇਜ਼। ਤਾਂ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਵਕ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। ਉਰਦੂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਰਦੂ, ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹਰਿੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਕਾਸ਼ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਦੇ ਸੁਧਰ ਗਏ, ਕਦੇ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਕਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੇਟ ਹੋਏ ਵੀਜ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ। एक बार स्पैशल परमिशन करके आ भी नहीं सके है जी। और उस तो बाद काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज सी कि यार मैंने क्यों रोकया गया, बड़े गुस्से जी सी। लेकिन चलो अज जो अपनी पहली गल हो रही सी, मैं सब तो पहला ये कहा यार मेरे पिंड जाके आओ। हाँ, तो तुसीं वो 4.5 साल पहला इस पिंड च आए सी, तो वीडियो शूट करके लेके गए। वो 4.5 साल पहला जो शूट किया, उस तो बाद पिंड के मुंडे ने, इन्हों ने मैनू, संधू राणे, अलिया सुनर राणे, सन्नी ने, सन्नी पट्टी, तो इन्ह सारे ने कॉल करने शुरू कर देते, मैसेज करने शुरू कर देते भी तुहाडा पिंड। फिर मैं वीडियो तो विखाते भी होंगे कदे। हाँ, मैं एक दिन अपने पिंड से ना, मैं अपने डैडी नू, मदर नू, सारे नू दिखाया भी अपना पिंड सीगा। तुहाडे डैडी का जन्म बाद है? डैडी 1950 च। 1950? हाँ, 1950 च होया। ਬੱਲੇ, ਕੀ ਹਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕਿਦਾਂ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਾਇਚਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰਹ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਲਗਾਓ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਨੇ ਕਾਛੇ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਲੋ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ 10 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾੜਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ। ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇੱਕੋ ਰੀਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਅੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਵਿਆਹਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਆਵੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਫੋਰਫਾਦਰਸ ਗ੍ਰੇਟ ਸੀ ਕਿ ਉੱਜੜ ਕੇ ਵੀ ਵਸ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ, ਅਮੂਮਨ ਆਪ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਰਖਤ, ਚਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ, ਜਾਨਵਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਵਾਕਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਫ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 15-18 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। बस आ दो चार जड़ियाँ धुंधलियाँ धुंधलियाँ मैमरीज मैं उन्होंने दसियाँ और याद। हाँ एक जो पाकिस्तान आए सी जथे दे नाल जथे नाल फिर हुक्म नहीं सी पिंड आउण दा। हाँ जी बिल्कुल। तो वो पिंड के नेड़े आके पिंड तो मुड़ गए पर पिंड नहीं आ सके। तो उस गल का भी बड़ा हेरवा आए इसे करके सी कि मैं अपने पिंड नूं दुबारा देख के आवां पर वो जो सरकारां दे प्रोटोकॉल हुंदे ने कि वो जथे दे नाल वो पिंड च अलाओ नहीं कीता। तो वो बड़ा उन्होंने इस गल का दुख भी बड़ा मनाया। पता ही अज लगा ही नहीं असं प्रोटोकॉल दी इंशाल्लाह नहीं रही उत्तों फ्लैक्सां लगनियां शुरू होणियां जी तुहाडीआं गाने तो इत्थे तक लगनियां सी तुसीं माशाल्लाह सराइच दे लाड़े हो। सानूं इतनी खुशी होई यकीन मनो सानू उन्नी ईद की खुशी नहीं होती जिन्नी हम ईद करके जान देना रमजान शरीफ का महीना तुम साढ़े को ही किधरे तुहानू लगा कि कुछ वक्त है हुण दो भरा सी दोवां भरावां दा खून एक हुंदा ना। एक भरा नूं अमरीका भेज दो एक नूं पिंड च रख लो वो जदों भी मिलणगे उन्हां दी बोली पहरावा उन्हां दी आदतां उन्हां दा खाण पीण सब सेम होएगा। जिहड़ा बंदा जम पल के अमरीका चले जाए उन्हूं पीज़ा स्वाद नहीं लगदा उन्हूं मक्की दी रोटी ते सरों दा साग ही स्वाद लगदा। सो असीं ओही कुछ है ओही ब्लड है बस कुछ सिंह तो खाण बन गए कुछ खाण तो सिंह हो गए। तो सानूं नहीं कोई फर्क महसूस होया। जदों मैनूं लैके आ रहे सी अज वाघा बार्डर तो नासिर भाई साहब तो जो एंटर किए क्योंकि तुसीं भी बड़ी तड़फ रखते हो तुहाडे 'चों बहुत सारे ने जिन्हां दे पिंड उधर ने। तो मैं तो खुशकिस्मत कहूँगा भी दोनों सरकारों का धन्यवाद कि मैं अपने पिंड आ गया। तो जो कई अजे तड़फ रहे हैं भी असी पिंड नहीं जा सके कई बुजुर्ग एहसास पूरे हो गए कि वो अपने पिंड की मिट्टी में छू नहीं सके दोबारा। तो नासिर भाई साहब जो तो मैं लैके बड़े वाघा तो जो लाहौर वाल आ रहे मैं एक चीज़ देख रहा वॉच कर रहा मैं उन्होंने आख्या भी हम तुम वीज़ा लैके जाने की कोई लड़ नहीं यह ही कुछ उधर है कोई फर्क नहीं। हर 8-10 किलोमीटर तक कितने कितने छोटा मोटा टोआ भी आ जाता उवें लोगों का ट्रैफिक उवें मोटरसाइकिलों का रश उवें लोगों का बोलचाल सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ सेम है। बिल्कुल मैं तुहाडी गल नाल सहमत हाँ क्योंकि मैं दोवां पासे वेखे ने लेकिन एक पिंड की जिहड़ी खुशबू एक जो वड वडेरियां तो तुसीं गल्लां सुनियां हुंदियां ने वो चीज़ उत्थे जाके पहुँच के एक मंजिल बंदे दी ना वो पहुँच के ही मुक्कदी। मैं भाजी तुहानूं दसदा मैं बिल्कुल बॉर्डर ते रहना क्योंकि मेरा फिरोजपुर रहना मैं तो मेरे तो बॉर्डर 8 किलोमीटर दूर सैनी वाला। मैं बड़ी बार परेड देखने जाना जो कोई साढ़े रिलेटिव भी आते हैं कोई रिश्तेदार भैन भरा साढ़े लिए एक जगह असीं कहने चलो तुहानूं परेड रिट्रीट सैरेमनी दिखा के आई वो एक लाइन जिहड़ी उत्थे चिट्टे रंग की लगी ना बड़ा मन करता भी इस लाइन तो परले पासे क्रॉस कर जाइए बड़ा मन करता पर वो तुहानूं पता कई बार कोशिश भी की हौली कि दिने पैर उत्थों लाइन तो अगे करन दी एक टच पर सारियां दे विच ऐसा क्यों है सर साडे डीएनए च है साडे खून च कि बार्डर के दोवां पासे जो बंदे बैठे हैं ना वो एक दूजे तो कोशिश करते कि मैं ज्यादा अगे वेखण की कोशिश करा हालांकि उत्थे थोड़ा बहुत नफरत का भी प्रचार हो रहा है नहीं चलो ओनू आपां अलहदा रखीए क्योंकि आपां प्यार मुहब्बत की गल करदे ते प्यार मुहब्बत नूं ही गां वंडना। जदों मैं करतारपुर साहब जनवरी दे विच गया तुसीं उत्थों नहीं सी नासिर भाई साहब सी उस टाइम तो उस लाइन में जदों मैं टच करके पहली बार लाइन क्रॉस की थी मेरे खून दे विच पता नहीं की तरथलियां आईयां तो वो मैं व्लॉग भी बनाया वीडियो भी बनाया और लोगों को बड़ा पसंद भी आई ये चीज़। तो वो चीज़ नूं तुसीं उस दिन महसूस करोगे तुसीं कर चुके हो पर इन्हां दे विचों जदों तुसीं वो लाइन नूं क्रॉस करोगे तो तुहाडे वो जो फीलिंग भावनावां होणगीयां तुसीं बयान नहीं कर सकोगे महसूस ही कर सकते हैं। चलो तुसीं फीलिंग्स की गल कीती तो बहुत सारे पिंड के आल दुआल के लोग तुहानूं मिलना चाहते हैं तुहाडे नाल सैल्फी लेना चाहते हैं सो आओ चलते हैं। वाह जी शुक्रिया जी थैंक यू। भी एरिया खुला है ऐसे अपना ना 3 हिस्से मकान ने अपना 3 भरावां दे सकदे के अपना बग्गे के लद्दू वाले ओ मैं तानू सारा पता बारे तुहाडे सामने वीडियो कॉल मीतन ना मेरी गल कराओ लभ गया हां लभ गया बाग सामने बाग अच्छा बाग दे विच बाबा जी दी जगह बनी है अच्छा फिर बाबा जी अट लैके गए इतों बाद जाके ओके आ दरवाजा हो गया पहला तो इतने शुरू कर सर ये दरवाजे थोड़े दादा हाँ वही ना तुले आज भी कितनी मजबूती है ना ये भी उससे आज दे सरिये ना मजबूत रहे। ओके बाय खड़े सारा साथ मैं दसांगा तुहानू बाद ना। अच्छा हां जी, वो जेडे इथों दे रहंदे रहे ना वो लद्दू वाले बैठे हैं कुछ। हां जी लद्दू, लद्दू दा साडा एक शरीका बैठा ना भुल्लर परिवार। हां जी लद्दू भाई लद्दू, हां वो बिल्कुल ए भी लद्दू बैठे ने, ए भी लद्दू भाई। दो लद्दू किने, एक छोटा एक बड़ा अपना। ओ यार अपना नहीं इंडिया दी गल। वाह जी वाह, पुराने घर दियां वही यादां 75 साल पहलां दियां। साढ़े बुजुर्ग इत्थे बना के गए 75 साल तो वैसे हो गए, उस तो पहला की पता 25-30 साल बनया सी या 100 साल हो चुका है बने। इस तरह 3 चुबारे सन जी, और अगर आया दरवाजा इतने इन्ने फुट का लगा है ना तो तिना के उत्ते दरवाजा 3 फुट का ही लगा। सेम 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 अगर इतने किली लगी है तो 3 घरों च किली उत्थे लगी है। अच्छा इतने अगर बारी लगी है, इतने बारी 3 घरों च उत्थे लगी है। ओके ऐसे वो नफीस कारीगर सन, फिर उन्होंने डाटा के चूना यूज किया है ना उन्होंने। हाँ जी, और अगर वो आला बनया ना तो 3 घरों च जाओगे इतने ही तुहानू आला नजर है, इक्को साइज इक्को बनाया। साडे अजे भी आदत वही है जो 3 भरा 4 भरा इकट्ठे बनाते हैं। हाँ जी हाँ जी, साडे अज भी उत्थे पंजाब च इसे तरह ही करदे आ, इक्को एक्टिविटी भी जिथे लगी उत्थे ही लाउणी है ताकि 3 भरावां दे विच किसे नूं यह महसूस ना आवे भी मैनूं कोठी थोड़ी घट मिली है, तो इस करके 3 ने बना के उस तो बाद इन्ना प्यार बनया रहा। पर्चियां पा देंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 किने लैनी, लो जी पर्चियां सिर दियां पहला चुक लो, सब तो पहला जो छोटा पहला पर्ची चकदा दूजा। हाँ हाँ, पर 3 इक्को जिहियां ही होणगियां ताकि उन्हां दे मन च ना रहे मैं तां ओह लैनी सी, मैं तां ओह लैनी सी, है सेम। तो ये उदों दी आदत है, इन्हां चीज़ां नोट कीतियां ने। जी जी जी, चलो हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट। लो जी पिंड दे बिल्कुल ऊपर टॉप ऑफ द विलेज है जी, सारा इथों विलेज नज़र आंदा जी। सरैच उस तो बाद सब तो वड्डा जिहड़ी बुलंदी दे चुबारा कोठी ए चीज। लो जी इन्हां पुराने घरां दे विच वैसे तो कुछ भी नहीं हैगा, दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, दुनिया बहुत अगे चली गई है, लेकिन एक इन्हां पुराने घरां दे विच एक साड़ियाँ यादां साड़ियाँ जड़ां वो इतने मौजूद ना, इसे करके जोड़े बाहरों लोग आते अमूमन इन्होंने पुरानिया घर वाल खिंचते चले आते हैं। बहुत सारे लोग यह सोचते हैं पता नहीं कि इतने कोई सोना दबया वा या कोई चीज़ इतने रखी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। वो यादा ने वो मुहब्बत ने जो इन्हों के वड वडेर ने इन्हों दसिया और इन्होंने एक स्कैच बनाया अपने माइंड के, उस स्कैच के मुताबिक उन्होंने चीज़ों को लभण की कोशिश करते हैं। तो भुल्लर साहब का ट्रिप जारी है और असी तुहाडे कोल इजाजत चाहांगे क्योंकि रात हो चुकी है और भुल्लर साहब को वापस घरें भी पहुँचाना है। सो अज का प्रोग्राम इत्थे खत्म करांगे, लेकिन भुल्लर साहब अजे साडे कोल ही है और इन्होंने होर अजे बहुत सारिया थावां विखाणियां ने। भुपिंदर सिंह लवली नूं अज दे इस प्रोग्राम दे विच इजाजत दिओ, मिलदे आं किसी ऐसे ही प्रोग्राम दे विच किसी ऐसे ही बुजुर्ग दी कहानी लैके जो साडे पंजाब दा पुराना वसेब सी, सभ्याचार सी, साडी रहतल सी, साडा इतिहास सी। सो साडे नाल जुड़े रहिओ, मिलदे आं फिर रब रब। हाँ वेखो जी वही पुराना ਸਮਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਪੂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ।